देख सकते हैं ये जरेली में कांवड़ियों के ऊपर पत्थर फेंके गए हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर कांवड़िया जो कांवड़ियों का जो दल है वो पूरी तरह से आक्रोश है। आप देख सकते हैं ये नवाबगंज की तहसील जरेली गाँव है जो की आप देख सकते हैं कांवड़ियों में पूरी तरह आक्रोश है। बरेली में गंगा जल लेकर घरों को लौट रहे कांवड़ियों के साथ रविवार को हुई दो घटनाओं से नवाबगंज कस्बे का माहौल गर्मा गया, जहां सुबह महंत को बोलेरो गाड़ी से टक्कर मारने और पुलिसकर्मियों की लापरवाही से कांवड़ियों ने हंगामा करते हुए पीलीभीत सड़क जाम की, तो वहीं शाम को जरेली गांव में कांवड़ियों पर पत्थर फेंकने पर जबरदस्त हंगामा हो गया। दरअसल नवाबगंज के गांव करुआ साहिबगंज का जत्था रविवार शाम मुस्लिम बाहुल्य ग्राम जरेली से होते हुए अपने गाँव जा रहा था। जत्थे के अधिकांश कांवड़िए गाँव से निकल गए थे, बाकी के 4-5 कांवड़िए ही जरेली गांव से गुजर रहे थे। इसी दौरान एक पत्थर एक कांवड़िए को आकर लग गया। इसकी सूचना पर गांव से गुजर रहे अन्य कांवड़ियों को हुई तो आक्रोशित होकर उन्होंने सड़क पर कांवड़ रखकर जाम लगा दिया। इस घटना की सूचना जिस कांवड़ियों को लगी उसने वहीं पर कांवड़ रखकर जाम लगा दिया। इससे 6 से अधिक गाँव में सड़कों पर कांवड़ रखे जाने की सूचना से पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। पत्थर फेंके जाने की सूचना पर एसडीएम राजीव कुमार शुक्ल, सीओ अजय कुमार गौतम, एसएचओ अशोक कुमार कंबोज पुलिस बल के साथ जरेली गांव पहुंचे और माहौल को देखते हुए दूसरे थानों की पुलिस को भी मौके पर बुला लिया। इसी बीच क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर एमपी आर्य के साथ ही बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के नेता भी मौके पर पहुंच गए और कांवड़ियों को समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कांवड़िए पत्थर फेंकने वालों की गिरफ्तारी पर अड़े रहे। वहीं इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि एक मानसिक मंदित युवक ने पत्थर फेंका, जिस पर पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। बताते हैं कि गांव में कुछ बच्चे सड़क पर खेल रहे थे, उनमें मानसिक मंदित युवक भी शामिल था। वहीं जब पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर गाड़ी में बैठाने की कोशिश की तो आक्रोशित कांवड़िए उसे पकड़ने के लिए पुलिस से भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को सुरक्षित गाड़ी में बैठाया। वहीं बाद में पुलिस और क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर एमपी आर्य ने किसी तरह कांवड़ियों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया और उन्हें रवाना किया। भैया भैया इस पे चले, इस पे बवाल लोगो बवाल रे। अरे अरे पत्थर आया था कहाँ पे? वहाँ पे पीछे। आप लोग कांवड़ लेके जा रहे थे? हाँ, कांवड़ पीछे थे। कितने लोग थे यार? हम वैसे तो हम 60-65 लोग हैं, लेकिन हम 4-5 लोग थे पीछे और बाकी आगे थे। अच्छा, कौन से गांव के बोले? करुआ साहिबगंज। करुआ साहिबगंज कितने टाइम की बात हो गई लगभग? अभी एक घंटा हो गया। किसने फेंका पत्थर? आप लोग पत्थर घर में से आया जो तो नहीं पता किसने फेंका। आप निकल के जा रहे थे? हाँ, हम जा रहे थे, हमें तो नहीं पता किसने फेंका था। क्या चाह रहे हैं आप? हैं क्या मांग? कार्रवाई चाह रहे हैं, हम गिरफ्तार हों कि हमारे ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं आज हम पे, कल और भोले हो सकते। और यहाँ के एक भोले ने जे भी कहा है जिसका नाम भूरे है कि जे नवाबगंज आते जाते रहते हैं, बाद में देख लेंगे। जे भी कहा है बाद में, जरेली के भोले ने भूरे नाम है उनका। अच्छा, उनने ये कहा है कि नवाबगंज आते जाते रहते बाद में देख लेंगे। जरेली गाँव में किसी शरारती ने कांवड़ियों के ऊपर पत्थर फेंके और उसकी वजह से कांवड़ियों ने यहाँ पर जाम लगाया और ये समस्या उत्पन्न हुई है। काफी घंटे जाम लगा रहा है, किस तरीके से आपने मामले को सुलझाया? नहीं, लोगों को समझाया, शासित लोग हैं उन्होंने प्रशासन की बात को माना और जाम बाईपास में भी लगाया गया था सुबह। आज सुबह एक कांवड़ियों को एक बोलेरो गाड़ी एक्सीडेंट करके भाग गई और उसमें जो वहां पर उपस्थित पुलिसकर्मी थे उन्होंने कांवड़िए के साथ में समुचित व्यवहार नहीं किया, जिसके कारण से सवेरे जाम लगा था। कांवड़िए में किसी व्यक्ति पर पत्थर मारने का आरोप लगाया है, क्या पुलिस ने उसे गिरफ्तार करा है? कार्रवाई चल रही है, 2-3 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, ये अभी पता नहीं है कि वास्तव में सही आदमी है या गलत है। थाना क्षेत्र नवाबगंज के एक गाँव के पास से एक कांवड़ियों का जत्था जा रहा था, तो उस जत्थे के लोगों की एक शिकायत थी कि उस गाँव से किसी व्यक्ति के द्वारा एक पत्थर फेंका गया था, जिससे चोट यदि भी किसी कांवड़ियों को नहीं आई थी, तथापि उनकी सूचना पर तुरंत पुलिस ने पहुंचकर जो है उनकी समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया है। इस संदर्भ में अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई, तहरीर प्राप्त करके इस संदर्भ में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है तथा सत्यता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी।